हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने दो प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं फ्रॉम नाइका, और इनमें हैं दो फेस मास्क जो के हैं फ्रॉम दी ब्रांड मामा अर्थ। मेरे पास आपने देखा है, मैंने मामा अर्थ की एक हॉल वीडियो शेयर की है जिसमें हेयर मास्क एंड उबटन फेस वॉश, बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम एंड एक और प्रोडक्ट था, दैट वाज सनस्क्रीन लोशन। यस, तो ये मच हाइप्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनकी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा बातें, इंस्टा पे मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते तो आपने भी देखी होगी मामा अर्थ, बिकॉज ये एक प्लैनेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ये है फ्रॉम मामा अर्थ फर्स्ट मास्क एंड ये बबल रैप भी, एंड दिस इज उबटन फेस मास्क। ओके, एंड एक है C3 फेस मास्क। तो ये दो फेस मास्क मैंने लिए हैं फ्रॉम मामा अर्थ, और मुझे एक छोटू सा गिफ्ट मिला है बिकॉज अभी राखी आ रही है, तो नाइका की तरफ से भी ऑनलाइन ऐप्स की तरफ से कुछ ना कुछ ऑफर्स चलती रहती हैं। एक्चुअली मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन मैंने जब ये मुझे डिलीवर हुआ तो मैंने देखा और इसमें बिल में लगा हुआ था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ अभी। ऐसी पाउच पोटली आई है छोटी सी क्यूट सी, ओके। तो ये एक हैंडमेड, वाओ, तो इसमें ये छोटी सी थाली बनी हुई है जिसमें राइस, सिंदूर, फ्लावर्स, वेरी क्यूट, और ये एक धागा आया है, राखी का धागा। अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं शेयर करने में भी। ये देखिए, तो ये है फ्री गिफ्ट फ्रॉम नाइका। ये तो मैं अपनी बेटी को दूंगी, वो बहुत खुश होगी, ऐसी छोटी छोटी चीजों से वो बहुत खुश हो जाती है। तो अभी चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो फर्स्ट फेस मास्क है वो है मामा अर्थ का उबटन फेस मास्क विथ सैफ्रन, टर्मरिक एंड एप्रिकॉट ऑयल फॉर स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग। ओके, तो ये भी पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री, हाइपो एलर्जेनिक एंड विथ बायो एक्टिव्स। और इसकी जो MRP है वो है 499, और इसकी जो एक्सपायरी है वो शेल्फ लाइफ है वो 3 ईयर्स है। ओके, एंटी एजिंग लाइटन्स, ब्राइटन स्किन, मेड विद नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स, एक्वा, काफी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, टर्मरिक है, मलबरी है, ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसकी आउटर पैकेजिंग, डायरेक्शंस फॉर यूज, वॉश योर फेस विद सल्फेट फ्री फेस वॉश सूटिंग योर स्किन टाइप, डैब योर फेस ड्राई, अप्लाई अ जेनरस लेयर ऑफ फेस मास्क ऑन क्लीन फेस एंड नेक, Keep it for 15 minutes. Scrubs and wash off with lukewarm water. For best results, use twice a week. Okay. Tips for bright and radiant skin. Follow the rule of 8.8 hours of sleep plus 8 glasses of water every day. This can work wonders for your skin. Take a few drops of honey and lemon, massage it onto your face, leave it for 10 minutes and wash it off with lukewarm water. Use a sunscreen with SPF 15 plus to block the harmful UVA and UVB rays when going out. Who is it suitable for? Men and women of all ages, suitable for all skin types including sensitive skin. ओके, तो सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये है, तो
तो दैट इज गुड ना, कि ऑयली स्किन के लिए भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ड्राई स्किन के लिए भी आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत कम रेंज आती है, काफी आती है तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है जो ऑल स्किन टाइप्स के लिए, ऑल एजेस के लिए, मेन एंड वेमेन दोनों के लिए है। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक की शील्ड थी और ये है मामा अर्थ उबटन फेस मास्क। इसके साथ ये एक छोटा सा स्पैचुला है और इसकी ये इनर पैकेजिंग है टब जार में। इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये इसमें से हल्दी की फ्रेग्रेंस आ रही है, टर्मरिक की, सैफ्रन। ये मैं आपको अभी इसकी डेमोंस्ट्रेशन दूंगी बिकॉज मैंने मेकअप किया हुआ, मैंने एक अभी एक हॉल वीडियो शेयर की है। तो अभी मैं फेस वॉश करूंगी मामार्थ के प्रोडक्ट्स के साथ ही और इसी मास्क को अप्लाई करके दिखाऊंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मास्क है, C3 वाला मास्क, उसे भी ओपन कर लेते हैं। तो ये है C3 फेस मास्क। एक्चुअली ये मास्क है फॉर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन, पैराबिन सिलिकॉन फ्री, हाइपोएलर्जेनिक विद बायोएक्टिव्स, ब्राइटन्स एंड टाइटन्स स्किन, रिड्यूस एक्ने एंड पिंपल्स, मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ये इतने सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं और इसकी भी MRP है 600 रुपीज, इसकी भी शेल्फ लाइफ 3 इयर्स है और प्लास्टिक पॉजिटिव, ये ब्रांड का स्लोगन है, वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज, मामाअर्थ के। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। यस, ओके, तो इसे ओपन कर लेते हैं। ये आउटर पैकेजिंग है और ये है इसकी इनर पैकेजिंग, सेम जार में ही है ये भी, इसके ऊपर भी ये प्लास्टिक रैप लगा हुआ है। विथ चारकोल कॉफी एंड क्ले, ओके, फॉर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन C3 फेस मास्क। इसमें सी को 3 टाइम यूज किया गया है इसीलिए इसका नाम है C3 फेस मास्क, चारकोल कॉफी एंड क्ले, ब्राइटन्स एंड टाइटन स्किन, इंग्रेडिएंट्स डायरेक्शन फॉर यूज, वॉश योर फेस विद अ सल्फेट फ्री फेस वॉश सूटिंग योर स्किन टाइप, डैब योर फेस ड्राई एंड अप्लाई अ जेनरस लेयर ऑफ फेस मास्क ऑन क्लीन फेस एंड नेक, कीप इट फॉर 15 मिनट्स, स्क्रब एंड वॉश ऑफ विद ल्यूकवॉर्म वाटर। जैसे इसका उबटन फेस मास्क की यूजेज है वैसे ही इसको यूज करना है। ओपन कर लेते हैं इसको भी। ओके, तो ये ब्लैक ग्रे फॉर्म में है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, मोस्टली जैसी चारकोल फेस मास्क की होती है बिल्कुल वैसी ही है इसकी फ्रेग्रेंस भी। ये भी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है और स्किन को ब्राइट करता है। तो ये भी वीक में 2 टाइम्स आप लगा सकते हैं, कोई भी रेजिमेन आप सेट कर सकते हैं, फेस वॉश लेके फिर उसको हल्का सा, जिसमें आजकल तो फेस वॉशेज इतने अच्छे आते हैं जिनमें हल्के हल्के स्क्रबिंग के ग्रैनुल्स होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा स्क्रबिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद डायरेक्टली आप अपना फेस मास्क अप्लाई कीजिए एंड यू आर रेडी टू गो। और एक बात और कि आपको रूटीन में जैसे रोज बिल्कुल भी अपने फेस पर स्क्रब नहीं करना चाहिए, वीकली करना चाहिए और मंथली तो करना ही चाहिए। आफ्टर 30 डेज, 25 to 30 डेज आप एक फेशियल ले सकते हैं अच्छा सा, चाहे तो आप घर पे फेशियल कर सकते हैं। चलिए, तो अभी मैं अपना मेकअप भी रिमूव कर लेती हूँ और जो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स हैं उनकी डेमो भी दे देती हूँ। मैंने अपना मेकअप बिल्कुल रिमूव कर लिया है, अब मैं फेस वॉश करूंगी मामाअर्थ के उबटन फेस वॉश के साथ। प्रोडक्ट ले लूंगी मैं अपने हैंड पे। ले लिया मैंने प्रोडक्ट, mm-hmm.
इसके बीच में ना एप्रिकॉट बीड्स हैं जिससे हल्की हल्की मेरी स्किन पे एक्सफोलिएशन भी हो रही है साथ साथ में। दो से तीन मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा यस दो से तीन मिनट ही फेस वॉश मसाज करने के बाद में इसे वॉश करके आती हूँ। इसमें से ना मुझे जैसे आप टर्मरिक की ब्लीच करते हो ना उसमें से हल्की सी फ्रेग्रेंस आती है ना, तो मुझे इसमें से भी आई डोंट नो वाई थोड़ी सी ब्लीच की फ्रेग्रेंस आ रही है। मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा बिल्कुल माइनर सा मेरी स्किन के ऊपर ये इचिंग कर रहा है, आई डोंट नो वाई। चलिए दो से तीन मिनट हो गए, मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है अच्छे से, देखिए मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन हो गई। हल्की सी बिल्कुल माइनर सी इचिंग है, वो इसलिए शायद स्क्रबिंग पार्टिकल्स की वजह से। और फेस मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मेरे पोर्स ओपन हो गए हैं, अभी स्किन बिल्कुल क्लीन हो गई है। चलिए तो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर लेती हूँ UBTAN फेस मास्क। मैंने ये जो फेस वो मास्क लगा हुआ था उसके ऊपर लिड के ऊपर वही मैंने ले लिया है, उस पर काफ़ी प्रोडक्ट लगा हुआ है तो मैं अप्लाई कर लूँगी विद हेल्प ऑफ माई फिंगर। इस मास्क की बहुत डिमांड है, कई बार तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक मिलता है नाइका से। आप डायरेक्टली मामार्थ से भी शॉपिंग कर सकते हैं अपने मामार्थ के प्रोडक्ट्स की, वहाँ पे भी फ्लैट 15% डिस्काउंट चलता है। अब मास्क के साथ भी मुझे एक कूलिंग सी सेंसेशन हो रही है और हल्का सा बिल्कुल माइनर सा मुझे इचिंग भी हो रही है, हल्की हल्की सी ये मुझे जैसे इरिटेशन कह सकते हैं, इरिटेशन नहीं कह सकते, इचिंग कह सकते हैं, हल्की सी टिंगलिंग सी हो रही है मेरी स्किन के ऊपर, मोस्टली मेरी चीक्स के ऊपर। चलिए मैं पूरी फेस और नेक के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। मैंने जेनरस अमाउंट में अप्लाई कर लिया है मास्क को अपनी नेक और फेस के ऊपर। अभी मैं इसे 15 मिनट्स तक रखने वाली हूँ जैसे कि इसके इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। 15 मिनट्स के बाद इसको सुखाने के बाद मैं वॉश कर लूँगी, फिर देखते हैं इसका रिजल्ट। एज यू कैन सी मेरा मास्क बिल्कुल ड्राई हो गया है, सूख गया है मेरा मास्क बिल्कुल। अब मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। मैंने वॉश कर लिया है अपने फेस को, बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है फेस बिल्कुल। मेरी स्किन रिफ्रेशिंग लग रही है, प्लम्प लग रही है, आगे से टैनिंग बहुत ज़्यादा रिमूव हो गई है मेरी फेस की। यहाँ पे फोरहेड की थी टैनिंग थी वो रिमूव हो गई है और बड़ी अच्छी कूलिंग सी सेंसेशंस हो रही है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है मास्क को लगाने के बाद। अभी मैं अप्लाई कर लूँगी इसकी बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम। देखिए मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग और क्लीन लग रही है इसको यूज़ करने के बाद, बहुत कूलिंग और कामिंग, बिल्कुल ऑयल जो एक्सेस ऑयल आ जाता है टी जोन एरिया पे वो बिल्कुल रिमूव हो गया है और स्किन बिल्कुल फ्रेश हो गई। अभी मैं अप्लाई कर लूँगी इसकी मामार्थ की बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम, शेक कर लेंगे पंप।
अभी मेरी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो गई है मेकअप रिमूव करने के बाद, जैसे डलनेस आ जाती है वो बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल फ्रेश फील कर रही है। और मैंने फेस वॉश भी आज ट्राई करके देखा, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और मास्क भी अप्लाई किया वो भी बहुत अच्छा लगा, और ये बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम ये भी अब्सॉर्ब हो रही है, देखते हैं 2-3 मिनट्स में भी अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगी, देखते हैं कैसा रिजल्ट है। अभी जो मेरी बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम मैंने अप्लाई की थी विद विटामिन सी एंड मलबरी एक्सट्रैक्ट्स, अभी बिल्कुल मेरी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो गई है हल्की सी, मुझे क्योंकि फैन मैंने बंद कर दिया वीडियो में, फिर वो नॉइज क्रिएट होती है तो उसकी वजह से हल्की सी स्वेटिंग हो रही है, लेकिन मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, मुझे अपने आप को ही बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो ये तो मेरी 10/10 प्रोडक्ट्स है ममार्थ के, और इसी का मैंने हेयर मास्क का भी वो रिव्यू देना है आपको, तो वो भी मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाऊंगी बहुत जल्द। तब तक बताइएगा मुझे आपको ये वीडियो कैसी लगी, डेमो कैसा लगा, कोई भी क्वेरी है, कोई भी किसी भी तरह की आपने मेरे से कोई बात करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।